एकदम स्टाइल में बन रहे, एक भी पास्ता नहीं है। ये क्रिएटिविटी किसने सिखाया आपको? आदत हो गई है। पास्ता और पिज्जा हमेशा मुंबई में हम लोग ने बहुत खाया, तो आज हम लोग पास्ता ट्राई करने वाले हैं मटका में, है ना, काफी यूनिक चीज। तो हमें सराफा बाजार, मुंबई की मोहम्मद अली रोड बोलो या दिल्ली का जामा मस्जिद बोलो, वो अली रोड सेम ही है, और हम है सराफा बाजार में। तो हम आए प्रियंका दीदी के पास, यहाँ पे ये हमारे लिए बनाने वाले पास्ता। कौन सा पास्ता बनाने वाले? तो चलिए आज बॉम्बे फूडी टेल आपकी टीम आपको कुल्लड़ पास्ता बताएगा बेसिकली कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मैम। सबसे पहले तो इन्होंने दूध लिया है मैडम ने, ये बटर है, क्या बोले ना, और ये बटर, ये नमक है, नमक है, शक्कर, नमक है। पक्का? चलो ठीक है। ये काली मिर्च पाउडर है, काली मिर्च है, मसाला और ये चिली फ्लेक्स। पास्ता नहीं डालेंगे? सब डाल दिया पर पास्ता नहीं डाला। मायो है, डालेगा। आप ही कितने साल से स्टॉल लगा रहे हो यहाँ पे? 7 साल। 7 साल से आप ही लगाते पूरे या पूरा फैमिली बिजनेस है आपका? पूरा फैमिली बिजनेस है। 25 साल आपको यहाँ पे? 25 साल से आप लगा रहे हो? पहले पानी से स्टार्ट किया, सिर्फ पानी बेचते थे पहले, और अभी पानी बेचते थे, अब 7 साल से ये। वाह, पिज्जा पास्ता मैगी सैंडविच। तो सबसे ज्यादा आपका क्या यहाँ पे क्या जाता है, पास्ता या पिज्जा या कुल्लड़ का क्या जाता है? पिज्जा जा रहा है, पिज्जा जा रहा है, दोनों ज्यादा है। तो हमने मतलब कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं, जिंदगी में कुछ तो अलग ट्राई करना चाहिए हम लोग को भी। तो हम प्रियंका दीदी के पास है, और ये हमारे लिए कुल्लड़ वाला पास्ता बनाने वाले, कुल्लड़ वाला वो भी। ग्रेवी तैयार? अब इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता आपका कौन सा वाला, इटालियन है या इटालियन? मतलब ये तो देख रहे हैं भाई, मुंबई के लोगों को भी और इंदौर का ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है, हम भी ट्राई वही करते। तो ये देख लो वहाँ पे पास्ता पड़ा है। प्रियंका दीदी हमारे लिए ये वाला पास्ता लगाने वाले। हमारे मुंबई में पिंकी दीदी काफ़ी फेमस है, अगर आप लोगों ने पिंकी दीदी की वीडियो नहीं देखी तो मैंने चैनल में अपलोड किया, देख सकते हो आप लोग। तो ये देख लो पास्ता, और यहाँ पे इंदौर में प्रियंका दीदी का पास्ता भी काफ़ी फेमस है, तो हम भी ट्राई करते हैं बेसिकली। पास्ता रेडी, इसको कुल्लड़ में भरोगे या मटके में भरोगे? मटके में भरेंगे। तो फिर उसमें एकदम भरने का स्टाइल से वैसे देते हो या उसको पकाते भी उसमें कुछ अलग? पकाते हैं ना, अभी मशीन में रखाएगा। कुल्लड़ भी जाएगा मशीन में, फिर मेरा हाथ हाथ जलेगा तो नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। वाह, मोजरेला चीज़, मतलब चीज़ ना हो तो इंदौर वाले लोग खाते नहीं क्या? यह सराफा बाजार की सिग्नेचर डिश चीज़ है, क्या है इस चीज़ की खास बात? इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हम, रिवेल नहीं करना चाहिए, कुछ बातें बताई नहीं जा जल्दी, ठीक है, हो जाती है। हाँ, तो ये देख लो पास्ता इसमें रखा है इन्होंने। एकदम स्टाइल में बन रहे, एक भी पास्ता नहीं है। ये क्रिएटिविटी किसने सिखाया आपको? आदत हो गई है। अब तो आदत सी है ऐसे काम करने की। और मोजरेला चीज आएगा, डालिए अंदर। तो ये देख लो ओवन में डाल दिया मैंने प्रियंका दीदी, 5 मिनट तक हम आराम करते हैं। दीदी बोले तैयार हो गया ना ये? हाँ, ये ओह माय गॉड, ये देखो क्या चीज पूरी एकदम गर्मा गर्म है, और इसके ऊपर और चीज आएगा, और चीज आएगा। हाँ। इंदौर वाले लोग भी चीज खाते हैं यार। ये ऑरेगानो है, ये चिली फ्लेक्स है, ये मसाला, और ये पास्ता। चम्मच उड़ जाएगी, क्या चीज फील कर रहा है तू? पहले देख लो आ गया चीज फूल, आ गया ना चीज फूल। तो ये देख लो अपना पास्ता आ चुका है प्रियंका दीदी का, और काफी यूनिक लग रहा है मुझे तो, थोड़ा थोड़ा यार मेरा पेट भरा हुआ है, पर मैं एक दो क्लिप चीज जरूर ट्राई करूंगा। ये देखो एंड वाला पास्ता है, ये ट्राई कर लेता हूँ मैं, देखता हूँ यहाँ पे एक ही ट्राई करूंगा, पेट भरा हुआ है अभी थोड़ा गया है, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा और खा लेता हूँ। देखो ना चीज़ फूल कितना है, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप इंदौर आ रहे हो तो प्रियंका दीदी के यहाँ पे पास्ता वो भी कुल्लड़ वाला मटका वाला ज़रूर ट्राई करना।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं फॉलो भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।